ये सर रूपा जी देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1296 पर कारोबार कर रहा है, 1300 का अपना सपोर्ट लेवल ये भी तोड़ चुका है। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सोयाबीन में 5800 का लेवल देखने को मिल रहा है और जो रिफाइंड सोया तेल है वो 1300 का लेवल दिखा चुका है, 1300 का लेवल तोड़ चुका है, तो अब इसमें क्या रणनीति अपनाकर चलना सही रहेगा? क्योंकि देख रहे हैं कि सोयाबीन काफ़ी दिनों से एक गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल सोयाबीन में गिरावट है और रिफाइंड सोया ऑयल में भी गिरावट है, सरसों की डिमांड अच्छी है इसलिए सरसों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए सरसों में तेज गिरदारी की जा सकती है, लेकिन सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल में बहुत ज्यादा तेजी की संभावनाएं बनती थी, दिखाई नहीं दे रही है। खरीदारी आ सकती है लेकिन लंबी खरीदारी मुझे नहीं दिखाई देती। और आगे जाकर सोयाबीन की बात है, प्रेशर में ही रही है कमोडिटी, अब वापस से बहुत ज्यादा वाली तेजी से एक्सपेक्टेड नहीं है। और अगर किसी को एडिबल ऑयल पैक में इन्वेस्टमेंट करना भी है तो मुझे लगता है कि सरसों के तेल में ज्यादा बेनिफिट रहेगा, सरसों का तेल अभी आगे और उछल सकता है, तो सरसों के तेल में खरीदारी की जा सकती है। जी रूपा जी, सोयाबीन में आपको क्या लगता है, सोयाबीन में अगर नीचे में लेवल जाते भी है, बाजार टूटता है, तो नीचे में मैक्सिमम कहां तक जा पाएगा? नीचे में एक बार 6000 के आसपास का सपोर्ट है, अगर उसको तोड़ता है तो फिर ज्यादा लंबी गिरावट की तरफ जा सकता है। रूपा जी अभी देख रहे हैं कि 5800 के घरों में कारोबार कर रही है सोयाबीन, तो आपको क्या लगता है क्या नीचे में 5500 के भी लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए जैसे कि आज हमने देखा कि ये 6000 के लेवल को तोड़ चुका है, लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी आती है और एक से दो दिन की क्लोजिंग बन जाती है तो टेक्निकली ये वीक हो जाएगा और इसमें से 5500 से लेकर 5000 का स्तर भी संभव है कि देखने को मिल जाए। आज हमने देखा इसको 6000 के नीचे, लेकिन अगर आज 6000 के नीचे की सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है तो वापस से इसके अंदर 5500 से लेकर 5200 तक नीचे में बढ़ा जा सकता है। जी